मैनेजमेंट आपको करना पड़ता है दूसरा हाइजीन वगैरह का चक्कर रहता है तीसरा मैं इन सारी चीज़ों को लेके ना बहुत ज़्यादा स्पेसिफ़िक हूँ लाइक आप कितना भी समझा लो पार्लर वाली दीदी को वो आपकी आईब्रो पतली कर ही देंगी तो मैं या तो उनसे ये सारी चीज़ें करवाती हूँ जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा मुझे ट्रस्ट होता है अदरवाइज़ मैं खुद से करना ही प्रेफर करती हूँ वैसे भी आफ्टर कोविड मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई हूँ क्योंकि आ, मैंने ये चीज़ सीख ली कि अगर आप खुद से कर लेते हो ना तो उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता सो मैं अपने यू नो आईब्रो के लिए अपर लिप्स के लिए क्या यूज करती हूँ आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स मूव ऑन टू वीडियो ऑल राइट गाइज तो जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं बात कर रही थी वो है ये अगारो का रिचार्जेबल मल्टी ट्रिमर फॉर वीमेन जिसका प्राइस है एलेवन हंड्रेड नाइन्टी फाइव रुपीज़ बट ये आपको अमेजन पर एट हंड्रेड या नाइन हंड्रेड के अराउंड आराम से मिल जाएगा इसमें आपको मिल जाती है थ्री अटैचमेंट एक तो आपको मिलेगा शेवर हेड जिससे आप अपने फेशियल हेयर को शेप कर सकते हैं विदाउट एनी पेन दूसरा आपको मिल जाता है आईब्रो ट्रिमर जिससे आप अपनी आईब्रो को खुद से बना सकते हैं एंड तीसरा आपको मिल जाता है बिकनी हेड जिससे आप अपने हैंड्स के या लेग्स के हेयर को आराम से ट्रिम कर सकते हैं और ये जो प्रोडक्ट है ना ये वाटर रेजिस्टेंट है एंड रिचार्जेबल है इसमें आपको थ्री इंटरचार्जेबल हेड विथ टू कॉम मिल जाता है जो आपके लिए ना और भी ज्यादा ईजी कर देता है जैसे कि जो भी स्पेसिफिक एरिया है लाइक like आईब्रो का आपको बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है वरना अगर एक बार आईब्रो खराब हो जाती है तो पूरा फेस का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है तो इसमें आपको कॉम तो भी मिलेगी और आपको विदाउट कॉम भी ट्रिम कर सकते हैं अच्छा ये जो प्रोडक्ट है ना इसमें आपको वन ईयर की वारंटी भी मिल जाती है और इसकी जो बैटरी है वो 800 हंड्रेड की है एंड ये ना आराम से सात या घाट आठ घंटे आराम से चल जाएगा एक बार आपने इसको रिचार्ज कर दिया तो और ये जो प्रोडक्ट है इसके साथ आपको मिल जाता है एक चार्जिंग केबल जिससे आप आराम से चार्ज कर सकते हैं दूसरा इसके साथ आपको मिलेगी एक छोटी सी कॉम जिससे आप इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं और ये जो ट्रिमर है इसकी ट्रिमिंग लेंथ है विदाउट कॉम ज़ीरो पॉइंट थ्री एंड विथ कॉम है इसकी 0.5 पॉइंट mm, फाइव एम और जो आईब्रो ट्रिमर है इसकी मैं आपको बता दू ट्रिमिंग लेंथ है टू एम एम विद कॉम तो आई थिंक मैंने सारी डिटेल इस प्रोडक्ट के बारे में आपको बता दी है और अब देखते हैं कि इसको यूज कैसे करना है ओके okay, जी तो सबसे पहले आपको इसे कर लेना है चार्ज क्योंकि चार्ज के बिना तो ये चलेगा नहीं कॉमन सी बात थी बट मैंने आपको बता दी अच्छा इसमें आपको दिख रहा होगा जीरो एंड वन तो सिंपली आपको वन की तरफ ट्विस्ट करना है जैसे ही आप इसको वन की तरफ ट्विस्ट करेंगे ये डिवाइस हो जाएगा ऑन देन आपको जो भी अटैचमेंट्स यूज करनी है आप इसमें अटैच कर सकते हैं अच्छा अटैच करने के बाद ही इस डिवाइस को ऑन करना तो मैंने यहां पे अटैच किया है शेवर हेड क्योंकि मुझे अपने अपर लिप्स को शेव करना था और आप देख सकते हैं कितना ईजिली मैं शेव कर रही हूँ विदाउट एनी पेन अच्छा जो भी एरिया को आपको शेव करना है ट्रिम करना है उसे अच्छे से क्लीन करना है इससे क्या होगा ना एक तो हाइजीन मेंटेन रहेगा दूसरा कोई भी इंफेक्शन वगैरह होने के चांसेस नहीं रहेंगे यहाँ पे मैंने बहुत ही ईजिली अपनी अपर लिप्स को शेप कर लिया है आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से क्लीन हो गया है विदाउट एनी हैसल विदाउट एनी पेन देन मैं अब इसको डिटैच कर रही हूँ और मैं यहाँ पर अटैच करूँगी दूसरी अटैचमेंट तो मैं यहाँ पर अटैच कर रही हूँ आईब्रो ट्रिमर यहाँ पे आपको दो पॉइंट दिख रहे होंगे इन दोनों पॉइंट्स को आमने सामने रखना है जब भी किसी भी अटैचमेंट को अटैच करना है देन उसको ट्विस्ट कर देना है जैसे आप इसको ट्विस्ट करेंगे ना ये लॉक हो जाएगा बिल्कुल भी हिलेगा नहीं उसके बाद मैंने कॉम को निकाल दिया है कॉम को लगा भी आप कर सकते हैं बट मुझे आईब्रो करनी थी इस वजह से कॉम को निकालना ही मैंने ठीक समझा यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दो ट्रिमर है एक तो थोड़ा सा वाइड है और एक थोड़ा सा शॉर्ट है छोटा सा है तो जो वाइड की तरफ है ना उससे मैं अपनी आईब्रो को ऊपर की तरफ से ट्रिम करती हूँ और जो छोटा वाला एरिया है उसको मैं छोटी जगह के लिए यूज़ करती हूँ लाइक जो आईब्रो के बीच में जगह होती है वहाँ पे या आईब्रो के कॉर्नर पे ठीक है बहुत ही केयरफुली करना है क्योंकि ये आईब्रो है अगर एक बार आईब्रो उड़ गई ना तो पूरा फेस ख़राब हो जाएगा तो थोड़ा सा केयरफुली करना है एक दो बार करेंगे आपको आदत हो जाएगी अच्छा एक टिप्स मैं आपको और दे देती हूँ अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ गलती हो सकती है तो सबसे पहले अपनी आईब्रो को कर ले फिल जो भी आपकी आईब्रो की नेचुरल शेप है उसको आप मार्क कर ले एंड कोशिश करें कि जो मार्क किया है उसके अंदर आपको नहीं जाना है उसके बाहर बाहर ही रहना है इससे आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा मैंने भी यहाँ पर अपनी आईब्रोज़ को पहले फ़िल कर लिया है उसके बाद मैं ट्रिम कर रही हूँ इससे मुझे कोई भी गलती नहीं होगी देन मैंने हल्का हल्का सा आप देख रहे हैं ना कॉर्नर वगैरह की तरफ से जहाँ पे भी मुझे ट्रिम करना था मैंने ट्रिम किया देन मैंने उसको डिटैच करके अब मैंने यहाँ पे अटैच किया है शेवर हेड को और इसमें भी आपको हर अटैचमेंट में दोनों तरफ से आपको पॉइंट मिल जाएंगे बस आमने सामने रखना है एंड ट्विस्ट करना है अटैचमेंट हो जाएगी लॉक एंड देन डिवाइस को करना है ऑन और उसके बाद करना है यूज़ अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं अपने हैंड फिट जो भी बाल है उसको मैं कर रही हूँ ट्रिम आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में करना है इससे जो ट्रिम है ना वो अच्छे से होगा बिल्कुल भी हेयर नहीं रहेंगे आप चाहें तो विद कॉम भी कर सकते हैं बट मैं यहाँ पे विदाउट कॉम कर रही हूँ क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल भी छोटे छोटे अगर बाल भी है ना तो वो भी शेव हो जाएंगे और ये इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट है कि आप इसको कैरी कर सकते हैं कहीं पे भी आना जाना हो तो बैग में रख सकते हैं और सही भी रहेगा कभी कभी तो क्या होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है तो हम इस वजह से यू you नो know, पार्लर वगैरह नहीं जा पाते हैं अचानक से कोई प्लान बन जाता है और फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता तो ये बहुत सही ऑप्शन है एंड यू कैन सी कि कितने अच्छे से क्लीन हो गया है अच्छा जी तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगी बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है फीमेल्स के लिए आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है पार्लर का कोई झंझट नहीं है आप जब चाहें जैसे चाहें खुद से ही सब कुछ कर सकती हैं समटाइम क्या होता है हमें कहीं जाना होता है देन पार्लर की अपॉइंटमेंट वहाँ जाना टाइम वेस्ट ना। इससे अच्छा हम जब चाहें जैसे चाहें खुद से ही इसको कर सकते हैं इसको हम कैरी भी कर सकते हैं बहुत ही कॉम्पैक्ट सा है तो ट्रैवल के लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल हो जाता है सो so, अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहां से ट्राई कर सकते हैं और आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना शेयर कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर देना बगल में एक छोटा सा बेल बटन बना होगा उसे जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें मिलती हूं मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर